नमस्कार, आप देख रहे हैं AIA News। ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने वाला भारत का पहला बौना आदमी, एक वीडियो ने बदल दी किस्मत। हैदराबाद के 40 वर्षीय एक बौने व्यक्ति ने नया कारनामा किया है और ये भारत के पहले बौने हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। इनका नाम लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हुआ है। आए दिन हम कोई ना कोई हौसला बढ़ाने वाली खबरें सुनते रहते हैं और इनमें से प्रेरित भी होते हैं। ऐसी ही एक खबर हैदराबाद से आई है जहां नामुमकिन कुछ भी नहीं वाली बात सच नजर आई। इसे साबित किया है 40 वर्ष के गतपल्ली शिवपाल ने। ये भारत के पहले बौने हैं जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। सिर्फ कार चलाने में ही नहीं, शिवपाल की लगन पढ़ाई में भी उतनी ही है और ये अपने जिले के पहले दिव्यांग हैं जिन्होंने डिग्री पाई है। शिवपाल का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल उनके लिए काफी मुश्किल था और इस परेशानी से निजात पाने के लिए उन्होंने ड्राइविंग सीखने का फैसला भी किया। शिवपाल ने ANI से बातचीत के दौरान कहा, लोग मेरे कद का मजाक उड़ाते हैं और आज मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अलावा अन्य कई जगहों पर भी दर्ज हुआ है। कई बौने लोग मुझसे कार चलाने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और मैंने विकलांगों के लिए ड्राइविंग स्कूल खोलने का फैसला किया है। लिम्का बुक के अलावा तेलुगु बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शिवपाल का नाम दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि ड्राइविंग के दौरान उन्हें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सभी परेशानियों को हल करके कड़ी मेहनत के बाद ये ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया है। शिवपाल ने बताया कि उन्होंने अमेरिका के एक बौने आदमी को कार चलाते हुए वीडियो में देखा, जिसके बाद उन्होंने खुद US जाकर इसकी तकनीकी जानकारी ली। तमाम जानकारी लेने के बाद वो भारत वापस आए और एक मैकेनिक की मदद से उन्होंने हैदराबाद में अपने लिए कार को कस्टमाइज कराया। इस कार की जानकारी देते हुए शिवपाल ने बताया कि उन्होंने कार के पैडल की हाइट को बढ़ाया जिससे उनके पैर आसानी से वहां पहुंच सके। अपनी कस्टमाइज कार के साथ शिवपाल करीब 120 ड्राइविंग स्कूल गए, लेकिन उन्हें कार ड्राइविंग सिखाने से मना कर दिया गया। हालांकि उनके एक दोस्त की मदद से उन्होंने कार का लाइसेंस पाने लायक बनाया और अंत में ये पहले बौने हैं जिन्होंने कार का ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए AIA News।